हाय गाइस, वेलकम बैक हेल्थ मेडिसिन यूट्यूब चैनल। गाइस, हम आज बात करेंगे अगर कोई लड़की मेनपॉज टेबलेट खा ले तो क्या होगा। वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोई लड़की मेनपॉज टेबलेट खा ले तो क्या होगा, यानी अगर कोई फीमेल धोखे से या जानबूझकर मेनपॉज टेबलेट खा ले तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं FDA, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। FDA एक गवर्नमेंट संस्था है, उसने साफ साफ कहा है मेनपॉज टेबलेट मेल के लिए होती है, फीमेल को प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। अगर मेनपॉज टेबलेट को किसी महिला ने खा लिया या किसी ने धोखे से खिला दिया तो क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं इसका काम, यानी मेनपॉज टेबलेट काम कैसे करती है। ये टेबलेट जब हमारी बॉडी में पहुंचती है तो ये बॉडी के ब्लड वेसल के फ्लू को बढ़ा देती है, पेनिस के ब्लड फ्लू को बढ़ा देती है, जिससे के तनाव बढ़ जाता है, टाइमिंग बढ़ जाती है। इसी केस में अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल ने अगर मेनपॉज टेबलेट खा ली तो उसके भी प्राइवेट पार्ट में यानी बेदीना में ब्लड फ्लू बढ़ जाएगा, सेंसेशन बढ़ जाएगा। तो आपको पता है क्या होगा, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में ऑलरेडी बहुत सारा सेंसेशन होता है, इसलिए उनको नहीं दिया जाता है। बाकी और क्या होता है, जब ब्लड बढ़ जाता है, अगर किसी का ब्लड फ्लू बढ़ जाएगा, अगर किसी का बीपी बढ़ता है तो ये उसका बीपी बढ़ा देगा, क्योंकि ये बीपी को भी बढ़ाता है। अगर किसी को हार्ट डिजीज या बीपी की कोई प्रॉब्लम है तो वो मेनपॉज टेबलेट को ना खाएं, चाहे वो मेन हो या फीमेल हो। ऑफ कोर्स गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।